अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आज एक जैसा मेरे सम्मानित सदन के साथियों ने ये माना है कि भारत में भविष्य में अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए दुनिया के विकास की स्पर्धा में भारत को भी उस कंपटीशन में न केवल खड़ा कर सके, बल्कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात की कल्पना को साकार करना चाहते हैं कि अगर आज हम दुनिया के विकास दर की हम दुनिया के दूसरे देश पे खड़े हैं और चाइना हमसे आगे है, तो आने वाले दिनों में हम चाइना के भी ग्रोथ रेट से, विकास दर से आगे जा सकें, उस बात की परिकल्पना को हमको साकार अगर करना है तो निश्चित तौर से ये JPC के द्वारा इस प्रस्तुत बिल को हमने सर्वसम्मत से JPC में भी समर्थन किया, जैसा सुष्मिता देव ने कहा, और मुझे विश्वास है कि यह सदन भी सर्वसम्मत ढंग से इसको पारित करेगा। द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजन अमेंडमेंट बिल 2016। ये जो RDBBFI Act 1993 है, जो आज हम ये बिल हमारी सरकार लेके आ रही है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 1993 में संशोधन करना है। इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं जब सदन में आया उस समय सत्यपति जी बोल रहे थे, तो मैं उनके लास्ट सेंटेंस से सुन पाया कि ये बिल तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ब्यूरोक्रेसी के या नौकरशाहों के सुझाव के लाने के लिए हम बिल ला रहे हैं। ये बिल ब्यूरोक्रेसी या उनके द्वारा नहीं आया है, ये बिल अगर इस सदन में आया है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा आया है, सम्मानित सदस्यों के द्वारा आया है, क्लाज बाई क्लाज एक एक संशोधन पर विचार किया है। और मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा इस कमेटी को, जो श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा राज्यसभा की बनी है, जितने कम समय में इस बिल को लेकर के आई है। ये बिल निश्चित तौर से आने वाले देश के आर्थिक सुधारों में और बैंकिंग के NPAs को घटाने में, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स को, क्राइसिस को, उसमें मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी निश्चित तौर से मान्यता है। और मैं ये मानता हूँ this house you have got your own right to yes sir thank you sir normally convention in the house says that those there is no written law but normally though it is a convention it has been followed for many years now that those who are in the committees should not participate in the discussions because other members should be given an opportunity to air their views thank you sir मैं समझता हूँ इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज भी 1990 के अगर सितंबर को हम देखें तो उस समय इस तरह के जो लोन्स थे, लगभग 15 लाख से ज़्यादा केसेज थे जो देश के विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न कोर्ट्स में पड़े थे, और जिनकी धनराशि उस समय 6013 करोड़ की थी, जो बैंकों का पैसा बाकी था। मैं कहता हूँ उस समय तो 1993 के पहले कोई बैंक से अगर किसी ने लोन लिया और अगर वो बिल्कुल भी डिफाल्टर हो गया तो बैंक के पास कोई अधिकार नहीं था, ना उस समय कोई DRT थी, ना कोई RC थी। उस समय तो बैंक केवल एक सिविल कोर्ट में जाए और सिविल कोर्ट में एक दीवानी दाखिल करें और वो बरसों मामला चलता रहेगा और उससे उस पैसे की कभी रिकवरी नहीं हो पाती थी। और उसी को देख करके जैसा हुआ कि 1993 में ये जो एक्ट RDBBFI Act आया, उस एक्ट के आने के बाद निश्चित तौर से DRTs के गठन हुए, और DRTs के गठन होने के बाद आज भी जैसा मेरे साथियों ने कहा कि 70,000 से 72,000 केसेज आज भी पेंडिंग, तो वो पेंडिंग केसेज जो है, केसेज नंबर ऑफ केसेज कम हुए, लेकिन आज भी उन केसेज के कम होने के बावजूद जो NPA है वो 5 लाख करोड़ से ऊपर है। तो आखिर जो भी चाहे DRTA में अभी तक प्रोविजन था कि जो DRT में केस होगा वो 6 महीने में वो केस जरूर डिस्पोज होगा, लेकिन जिस तरीके से एडजमेंट के कारण, लंबी हेरिंग के कारण बरसों फैसला नहीं हो पाता था, पिछले दिनों चाहे वो इंडियन बैंक एसोसिएशंस हो या बैंकर्स हो या और भी स्टेक होल्डर्स हो, सब ने उस पर सुझाव दिया, सरकार को, कमेटी को सुझाव दिया गया, और जिसको हम लोगों ने बिल में समाहित किया। और जैसा माननीय मंत्री जी ने भी अपने बिल को प्रस्तुत करते समय कहा
कि हम इस बिल के माध्यम से चार एक्ट को हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले जो हम एक्ट को RDDBFI को हम अमेंड कर रहे हैं उसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया। आखिर बैंक में अगर NPA बढ़ता जाएगा तो भविष्य में चाहे मैं समझता हूँ सोशल स्कीम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हो या लोगों को क्रेडिट देने की बात हो, तो निश्चित तौर से बैंक के पास अगर उनकी रिकवरी नहीं होती है तो बैंक के सामने आज एक चुनौती आ गई है कि आगे वो लेंडर्स या लोनिंग कैसे करेंगे। तो आज हम इस बिल को ला करके भविष्य में इस बात के लिए चाहे DRTs को या RBI को एम्पावर्ड कर रहे हैं या ARCs को कि आने वाले दिनों में जो अभी जिन कठिनाइयों का चुनौतियों का सामना करते थे उन कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। और इस अमेंडमेंट के बाद कम से कम जो कर्ज लिया है, जैसे पहले मान लिया किसी ने कर्ज ले लिया या बोरोअर्स है तो वो जो अपना सिक्योर्ड एसेट्स भी रहता था उसको वो बेच देता था, तो अब उसके बेचने पे रोक लगेगी जिससे कम से कम वो डिस्पोज नहीं कर सकता है, और अगर DRT का फैसला हो जाएगा तो उस पर वो RC जारी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी एक ही कहीं कोई फैसला होता है तो पहले प्रायोरिटी होती गवर्नमेंट के रेवेन्यू दिए जाए या एरियर्स दिए जाए, लेबर के दिए जाए, लेकिन कम से कम इन बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इन सारी संस्थाओं को बचाने के लिए अब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं हमने जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट को इसलिए किया है कि उनकी प्रायोरिटी हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से भी ऊपर हो जिससे कि कम से कम उनका पैसा मिल सके। और ये जो DRT है या DRT अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या चेयरपर्सन हैं उनके टर्म्स ऑफ सर्विस को भी हमने मॉडिफाई किया। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि तमाम DRTs हैं जिसमें वैकेंसीज हैं, केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, 180 दिन के प्रावधान के बावजूद भी आज उस पर अगर फैसले नहीं हो रहे हैं तो एक लंबी प्रक्रिया हो रही है, और जिसके कारण ये एक चिंता का विषय है कि बैंकों में लगातार NPA की स्थिति बढ़ रही है और लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है। आज जो हमने एक इसमें अमेंडमेंट करने की बात की है उसमें भी DRT के फैसले के खिलाफ जो अपीलेट की अवधि होगी उसको भी घटाने का काम किया है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने से पहले जो बोरोअर्स है वो अपना 50% ड्यूज उसको जमा कराएगा, इसलिए कि अगर ये प्रतिबंध हम नहीं लगाते तो वो एक अपीलेट कोर्ट में चला जाता और फिर उससे होता कि निश्चित तौर से उसको समय मिल जाता और जो एक रिकवरी की बात है, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स की बात है, तो वो शायद नहीं हो पाता। इसी तरह से सरफेसी एक्ट में भी जो हमने द सरफेसी एक्ट 2002 में जो चेंजेस किया है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण हमने फैसले किए, और उसमें डिवेंचर ट्रस्टीज को पावर दिया जा रहा है कि वो कम से कम पब्लिक डिवेंचर होल्डर्स के हित में जो सिक्योरिटीज को उसको इन्फोर्स कर सके। और इसी तरह से सरफेसी के अंतर्गत जो ARC होगा, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, उनके इन्वेस्टमेंट को रिलैक्स किया जा रहा है, और ARC को बनाने में जो लिमिट थी कि केवल उसमें एक लिमिट की पूंजी के लोग ही बड़े लोग उसमें शामिल हो सकते थे, अब ARC को गठन में उसकी प्रक्रिया को रिलैक्स किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ARC को रेगुलेट करने के लिए हम RBI को एम्पावर कर रहे हैं कि RBI एम्पावर्ड होगी और वो ARC को रेगुलेट करेगी, और इसमें कम से कम ARC की जो कार्यशैली होगी वो भी ट्रांसपेरेंट होगी। हमारे साथियों ने कहा आखिर कोई फैसले, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वो कोई बात होती थी तो वो फैसला कम से कम उनको करना था, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे हमारे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, अगर जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती थी बैंक की उसका फैसला बरसों नहीं हो पाता था कि अगर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी को टेक ओवर करना है तो अब DM को या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को 30 दिन के अंदर फैसला करना होगा उसके एप्लीकेशन पे, जिससे कि वो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो वो कम से कम उनको ये मिल सके इस बात की सुरक्षा कि वो उस अपने कोलेटरल सिक्योरिटी को टेक ओवर कर सके। इसी तरीके से आता था कि जो सिक्योर्ड एसेट्स होता था, पता लगा सिक्योर्ड एसेट्स कहीं भी कोलेटरल एसेट्स के रूप में दिखा दिया, लेकिन उस पर एक थर्ड पार्टी भी होती थी, कोई टेनेंस होता था, कोई किराएदार होता था, तो उसका ऑब्जेक्शन होता था, तो वो टेनेंसी राइट को भी जो फैसला करने का अधिकार था वो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से था कि वो फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा या तो कोर्ट करेगा, और उस कोर्ट के उन दोनों के फैसले पे
निश्चित तौर से जो थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शन होता था उसमें भी फिर पेंडेंसी आ जाती थी और उसमें भी फैसला नहीं हो पाता था, जिससे हम इस रिकवरी ऑफ डेब्ट्स की बात जो करें या एनपीए को रोकने की बात करें, तो हम तो समझते हैं कि महत्वपूर्ण जो अभी तक वर्तमान परिस्थितियों में पिछले कई वर्षों से लगातार जो चुनौतियां बनी थी, चाहे बैंकर्स के सामने बनी हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने बनी हो, या चाहे हमारे अदर देन हो, कि जिस तरीके से अगर हमने मशीनरी पे भी किसी ने लोन लिया है, जो टेंजिबल लोन की बात है, इनटेंजिबल लोन की बात है, उसको भी हम इसके दायरे में ले आए हैं। तो अब ये संशोधन करके, अब ये संशोधन करके हम डीआरटी को अधिकार दे रहे हैं कि जो भी अगर थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्शन है या कोई टेनेंसी राइट है, तो अब उस टेनेंसी राइट का फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, उस टेनेंसी राइट का फैसला चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, उस थर्ड पार्टी का फैसला, टेनेंसी राइट का फैसला अब डीआरटी करेगा। तो स्वाभाविक है कि जब ये अधिकार क्षेत्र डीआरटी के सेक्शन 7 से हम इसको जोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो प्रक्रिया जो अपने आप में बाधित होती थी, लंबी होती थी, उससे एक आराम मिलेगा और उससे बहुत जल्दी इसका निस्तारण होगा। और इसी तरीके से जो बैंक्स थे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उसके जो एआरसी थी, उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो एसेट्स ट्रांसफ़र करने के दौरान थी, तो जो आज मंत्री जी ने कहा है कि हम इसके 4 एक्ट को हम करने जा रहे हैं, और वो 4 एक्ट में जो हमारा इंडियन स्टैम्प ड्यूटी का एक्ट है, उसको इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि स्टैम्प ड्यूटी से, मैं अभी 2-4 मिनट और लूँगा, मैं समझता दूसरा वक्ता हूँ अपनी रूलिंग पार्टी से, तो वो स्टैम्प ड्यूटी, मैं इसीलिए पॉइंट ले रहा हूँ, मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो अमेंडमेंट्स हुए हैं मैं उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूँ। तो उस स्टैम्प ड्यूटी से छूट का प्रावधान किया जा रहा है, और इसी तरह से जो एक डिपॉजिटरी एक्ट है उसमें भी संशोधन किया जा रहा है कि जो उसमें प्लेज है शेयर्स के, उसको भी हम ट्रांसफ़र कर सकें, इसलिए उसमें निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। आज मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात है। एक तो बिल के जुरिस्डिक्शन की बात है, जो मैं निश्चित तौर से आपको कह दूँ कि जो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन है, कि अभी तक जो ये था कि अगर कोई बारोअर है और उसने लिया, चाहे बैड लोन हो चाहे बिलफुल डिफाल्टर हो, तो फिर डीआरटीज को उस बारोअर्स के जहाँ रह रहा है, जहाँ निवास कर रहा है, वहीं पे उस डीआरटी में मतलब अप्लीकेशन डालनी पड़ती थी। लेकिन अब हम जो उसके सेक्शन 19 में जो वर्तमान प्रावधान था, प्रोविजन था, तो उसमें चाहे बैंक या एफआई जो डीआरटी में अप्लीकेशन दायर करता था वो बारोअर के रहने वाले पे, लेकिन आज अब इसमें हम अमेंड करके जो ये है कि अब जो बैंक हमारा क्रेडिटर है, वो कहीं भी जहाँ उसका ऑफिस लोन अकाउंट है या जहाँ उसके जुरिस्डिक्शन में उस बैंक के और उनके काम होते हैं, तो अब उनका जो बिजनेस होता है, तो अब वो बैंक वहाँ के भी डीआरटी में वो निश्चित तौर से वो फाइल कर सकता है। और इसके अतिरिक्त जो प्रोविजन किया जा रहा है उसमें, चाहे रिकवरी के एप्लीकेशंस हों, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट हों, स्टेटमेंट्स हों, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल होंगे, डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो मुझे लगता है कि इस में हमने जो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, चाहे वो सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत हमने जो बात कही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, मतलब 14 मिनट हो गए आपके, हमने जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात कही, मैं केवल पॉइंट्स का उल्लेख कर रहा हूँ की जगह 14 मिनट टाटा महोदय, केवल कर रहा हूँ कि जो, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपके जो इस रिकवरी प्रोसेस को है, इसको जो हम फास्ट और कंप्रेहेंसिव और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, वो इसलिए कि अब डेप्थ की भी परिभाषा को हमने वाइड किया है। अभी तक जो डेप्थ की परिभाषा थी वो ये था कि जो बैंक का लोन हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन हो, उसी वही डेप्थ की परिभाषा में आता था। लेकिन अब हमने इसकी लायबिलिटी को बढ़ा करके अब इसमें जो टेंजिबल है या इंटेंजिबल एसेट्स है उसको भी अगर क्रेडिट पर लिया गया है, तो उसकी भी लायबिलिटी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस लायबिलिटी को अब हम इंटरमीडिएटरी के द्वारा, मतलब इसको ट्रांजिशन से रिकवरी प्रोसेस में लाया जा सकता है। तो निश्चित तौर से कम जो डेप्ट की परिभाषा बढ़ी है, क्योंकि अब देश में, दुनिया में एक ही तरह के डेप्ट नहीं होते कि आपने बैंक से ले लिया या आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, अब लोन कई तरह के हो जाते हैं, और उसी के कारण आज जिस तरीके की वसूली में बाधा रही उसको हमने किया है। और एक मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण कदम है कि आज प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी किसकी, स्टेट सब्जेक्ट है, आप भी राज्य में इतने दिन मंत्री रहे, आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आप इतने दिन विधायक रहे, तो वो रिकॉर्ड्स केवल स्टेट्स के पास होता है, और एक ही प्रॉपर्टी को कहाँ कहाँ मॉर्गेज कर दिया जाए
ये आने रोज शिकायतें इस जेपीसी के सामने भी आई, कमिटीज के भी सामने आई, सरकार के सामने भी, तमाम बैंकर्स के एसोसिएशन के, फाइज के या एआरसीज के, सबकी शिकायतें आई थी। तो अब एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हम लोगों ने किया है कि जो रिकवरी प्रोसेस में एक समस्या आ रही थी, उस समस्या की जो प्रॉपर्टी कई जगहों पर लेंडर्स के पास मार्गेज किया जाता था और उस पर लोन ले लिया जाता था, तो उनका इंटीग्रेशन अब प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स विद सेंट्रल हो गया। सेंट्रल इंटीग्रेशन, बस मैं एक मिनट, मैंने 16 मिनट आपको, बस एक एक दो मिनट और दे दूंगा, बस और कोई बस आपने बड़ी कृपा की। तो उसके धारा 20 में सेक्शन 20 में जो हम सेंट्रल रजिस्ट्री को करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें सभी अथॉरिटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे लेंडर को ये सुविधा होगी कि जो मॉर्गेज किया है उसकी फाइल को या उस प्रॉपर्टी को जो ऑफर किया जा रहा है उसकी टाइटल को चेक कर सके और उस पर यह भी देख सके कि इस पर क्या है चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो इस तरह से एक स्टेट्स में जो अभी तक हम कहने के लिए एक था, लेकिन वाकई अब जो स्टेट्स का और सेंटर के साथ एक रिकॉर्ड्स का रजिस्ट्रेशन होगा, तो उससे कम से कम आने वाले दिनों। और एक जो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मैं आखिरी सेंटेंस कह के खत्म कर रहा हूँ, जो QIB था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर थे, वो अभी तक ये था कि जो ARC थी उनमें, ARC में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते थे उन्हीं को ऑफर किया जा सकता था, लेकिन अब इस बिल में ये प्रावधान किया जा रहा है कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको वो भी ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह से एसेट्स के लिए जो लिक्विडेट करना है ये और आसान हो जाएगा, ऑफर भी अधिक मिलेगा। तो इसमें भी हम जो क्लॉज 7 ऑफ द बिल है इसको जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सब प्रावधान किए जा रहे हैं, चाहे 14 हो, 7 हो, 26 हो, इस निश्चित तौर से इस बिल को पारित होने के बाद जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे श्री शैलेश कुमार NPA हो गया है, वो घट के 3% पे आएगा और निश्चित तौर से इस देश की प्रगति का पहिया बहुत तेजी से चलेगा। और इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी ऐसे बिल को लाए हैं जो देश की प्रगति में और देश के विकास में आने वाले दिनों में सवाल